Good evening, madam. Welcome. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मेरी बात गौर से सुनिए. हम सब के बीच है बड़ों जैसी सोच रखने वाली बड़ी क्लोई. ग्रेस, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? ओह, ये भी ना, हमेशा दूसरों की सोचती है. चलो हम तुम्हें तुम्हारी पार्टी की सैर कराते हैं. ये जो भी तस्वीरें आपके सामने लगी हैं, वो मिस्टर रोचेस्टर ने के राय पर दी हैं. ये देखिए शानदार खाना, ये है बचा हुआ आलू पकौड़ा मजेदार. पार्टी में एक फ्री का पेंटर भी है, पेंटर बाबू पैंडा. हेलो बड़े दिखने वाले बड़े लोग, आप क्लोई से मिले हो क्या? ये बड़ों की तरह ही सोचती है. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस पर लिखा था फ्री पिज्जा मिलेगा. क्लोई एक बहुत ही अक्लमंद और समझदार औरत है, सही कहा ना? मिलिए क्लोई से, ये बहुत बड़ी है. हाय. ये है टॉम, अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर, इसे साइंस भी पसंद है. ये अलिसा है, बहुत पढ़ाकू लड़की है और डॉक्टर बनना चाहती है. ये है पेड्रो, बड़ा मजाकिया है. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया. आज ग्रोन अप पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे बड़ी सोच वाली क्लोई से, जो बहुत ही समझदार है. दोस्तों ये सब मत करो, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, पर वो फ्री पिज्जा कब मिलने वाला है? ठीक है, हम अपने म्यूजिकल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. पैंडा. यस बॉस. सब लोग मेरी बात सुनो, अपने आप पर काबू रखो, ये समझदार लोगों की पार्टी है. सुनो, अब इसे खाना पड़ेगा. सॉरी, मजाक कर रही हूँ. एक लोई, मुझे पहचाना? मैं हूँ एमी, हमें जूस शॉप में मिले थे. हाँ याद आया, तुम यहाँ पर कैसे? ये तस्वीर भाड़े की है यार. क्लोई कहाँ है? पैंडा क्लोई कहाँ गई? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है. उसे ढूंढना पड़ेगा. अजीब लगता है, लोग हमेशा मुझे हैरान नजरों से देखते हैं और चाइल्ड जीनियस कहते हैं. काश सब लोग कहते कि इस लड़की की हाइट इतनी छोटी है कि ये रोलर कोस्टर पर कभी नहीं बैठ पाएगी. हे एमी, हम घर जाने की सोच रहे हैं, लोग कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हैं. हे गाइस, क्लोई से मिलो, ये हमारी क्लास में है. हाय. अंदर जाना खतरनाक है, पीछे से जाते हैं. हे क्लोई, दिख गई वो रही. वो तो उन लड़कियों से बात कर रही है, लगता है उन्हें दोस्त बना लिया है ना. मैं फोन करके बताता हूँ कि हम यहाँ पर हैं. हे क्लोई, ये देखो ये क्या है. आ रही हूँ. हमने कर दिखाया, हमने इतनी अच्छी पार्टी रखी और क्लोई ने यहाँ आकर दोस्त भी बनाए. हमें फिलहाल यहीं बैठे रहना चाहिए. अकेले अकेले. चलो दोस्तों, लगता है पार्टी खत्म हो गई है. वो लगता है सब लोग चले गए और साथ में क्लोई भी चले गई. चलो सफाई शुरू करते हैं. एक बात बताऊं, मुझे क्लोई की बहुत याद आ रही है. हाँ, उसके साथ हमें कितना मजा आता था ना. दोस्तों सच कहूँ तो अभी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है. क्लोई, तुम गई नहीं क्या? नहीं. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने नए दोस्तों के साथ क्यों नहीं गई तुम? मैं उनसे बाद में मिल लूंगी. चलो हम सब मिलकर सफाई करते हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई है ना. तो हम अब भी दोस्त हैं ना? बिल्कुल, तुम सब ने इतनी अच्छी पार्टी रखी उसके लिए थैंक यू, तुम सब बहुत अच्छे हो. चलो अब सफाई शुरू करो. क्लोई, तुम कल क्या कर रही हो? कैंपिंग, बाइकिंग, ग्रिजली बेयर. तो इस सुबह 11 बजे केमिस्ट्री लैब जाने वाली है. सही जवाब. तो ये कहानी है एक पिलपिले मॉन्स्टर पिलपिलू की. एक दिन बारिश हो रही थी बिल्कुल ऐसे ही, और मैं बाथरूम में थी, तभी मैंने ऐसा कुछ देखा जो बहुत डरावना था. खिड़की पर बहुत सारे पिलपिले स्नेल्स चढ़ रहे थे. और फिर मैंने देखा कि उन्होंने एक चिपचिपा पिलपिला सा रस छोड़ा जो मेरे रूम में आ गया. मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है. सस्पेंस आइस बेयर को पसंद नहीं. मुझे पता था मेरे कमरे में कोई है, और वो बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रहा था.
तो मैं जल्दी से किचन में गई और एक टॉर्च उठाई। फिर धीरे से मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता था अंदर कुछ डरावना है। मेरा कमरा बदबू से भरा था, किसी चीज के सड़ने की बदबू से। तभी अचानक मैंने किसी को धीरे से उठते हुए देखा और वो था डरावना पिलपिला मॉन्स्टर पिलपिलू। वो ऐसी आवाजें कर रहा था, वो मुझे खाना चाहता था। कहानी खत्म। ये बहुत ही डरावनी कहानी थी। मैं तो डर गया। वो पिलपिलू मॉन्स्टर आज रात भी आया तो? कम ऑन, ये मेरी बनाई हुई कहानी है। पक्का ना? हाँ। नहीं मम्मी, अब और बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। हाँ, तुमने आवाज सुनी? कौन सी आवाज? हाँ, फिर से आई। हेलो, वो पिलपिलो मॉन्स्टर यहाँ आ गया है। मुझे उसका खाना नहीं बनाया। वो हमारी आवाज सुन लेगा। आइसबर्ग जीना चाहता है। सुनो पैंडा, कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो एक पुरानी कहानी थी जो मैंने समर कैंप में सुनाई थी। पर ये आवाजें बारिश की है। स्टिक्स हमारी किस्मत तय करेंगे। ऐसे पैंडा तुम जाओगे। पैंडा आज बहर बहादुर भाई की कहानी सुनाएगा। ओ, कुछ भी। फोन चला पाया, मुझे यकीन है बाहर कोई है। मैंने उसकी सांसें महसूस की हैं। मेरी बात सुनो, मुझे बाहर जाने दो। ये तो तूफान की आवाज है, डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम अकेले नहीं जा सकती, हम सब साथ जाएंगे। आ जाओ। दो टीम्स बनाते हैं। फोन की बैटरी तो डेड है। कमरे में वापस चलो। रुको, रुको। अलग हो जाओ। सुनो क्लोई, तुम क्लोई कहाँ है? हम आ रहे हैं क्लोई। ओ हाय दोस्तों। क्लोई तुम तो ठीक हो, तो चिल्ला क्यों रही थी? क्योंकि मुझे तुम्हारा मॉन्स्टर मिल गया। ये रहा, ये बस एक छोटा सा रकून है। मैंने कहा था ना डरो मत। जाओ अपना ख्याल रखना। देखा, सब मुझे हमेशा बच्ची समझते रहते हैं, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं तो किसी से नहीं डरती। लाइट चली गई। हमारे फोन भी नहीं चल रहे। आइस बेर को तूफान पसंद नहीं। सुनो सुनो, शांत हो जाओ। लाइट सिर्फ खराब मौसम की वजह से गई है। हमें बस थोड़ा सा वो क्या था? आवाज बाहर से आ रही है। डरने की कोई बात नहीं है, जरूर कोई रकून होगा या फिर कोई चूहा होगा या तूफान से कुछ गिर गया होगा। बाहर कुछ तो है। जरूर कोई टहनी हवा से हिल रही होगी। ग्रेस, डरने की कोई बात नहीं है। देखा? क्लोई, मेरे कमरे में चलो। क्लोई तुम ठीक हो? पर वो क्या था? शायद पिलपिलू मॉन्स्टर था। क्या होगा, उसे पता है हम यहाँ हैं। वो अंदर भी आ गया होगा। उसने हमें ढूंढ लिया। भागो भागो भागो। मैंने कहा था ना वो आएगा और हम सबको खा जाएगा। मुझे उसका खाना नहीं बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में और बहुत कुछ करना बाकी है। आइस बेर को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। कुछ सुनाई दिया? वो मॉन्स्टर अंदर घुस रहा है, अब तो हम गए। आइस बेर कहता है बाय। बस फिक्र मत करो क्लोई, सब ठीक हो जाएगा। हमने क्लोई के रक्षा करने का वादा किया था, चलो वादा निभाते हैं। धक्का दो भाइयों मिलकर। दरवाजा बाहर की तरफ ही खुलता है ना? आ!
भाई अपनी जान बचाओ। ये मॉन्स्टर ओह लाइट वापस आ गई। एक मिनट, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो इंसान है। मेरा सिर में दर्द क्यों है? ओह ये तो डैड है। किसी ने जोर से मारा है। आप ठीक हैं? ओह क्लोई, सॉरी मैंने आपको बुक से मारा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे फिक्र हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। ये जगह बहुत खतरनाक है, पर मैं बेकार में ही फिक्र कर रहा था। डैड मुझे सच में डर लग रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा कुछ पता है क्या कि उसने हमें कहाँ पर बुलाया है? मैप तो किसी बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है, मुझे लगता है ओह शायद यही पेड़ होगा। लेकिन अगर पार्टी यहाँ है तो चाली कहाँ है? हेलो दोस्तों, आओ ऊपर आओ, पार्टी यहाँ ऊपर है, जल्दी आओ। ऊपर चढ़ने में तो जान निकल रही है। मेरी मदद करो ना। तुम पहुंच गए। चार्ली तुम्हारी पार्टी पेड़ पर क्यों रखी है? क्योंकि क्रिसमस पार्टी क्रिसमस ट्री के बिना होती नहीं है, सबको बताया ये तो। इससे कौन बहस करे? हाँ बहस क्यों करनी, मैं क्रिसमस बिल्कुल सही ढंग से मना रहा हूँ। क्रिसमस कार्ड भी है, स्टॉकिंग्स भी लटका है, रेंडियर भी है, और खाने के लिए क्रिसमस की स्पेशल डिशेस भी है। इससे पेट भरेगा? मैं टर्की को चेक करना तो भूल ही गया। ए टर्की तुम कैसे हो? वो ठीक है, पता है तुम तीनों बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, स्टार्स ढूंढने में मदद करो पेड़ के ऊपर लगाने। ये रहा दूध का डिब्बा ना, इसे लगाऊं क्या? ये स्टार नहीं है, एक स्टार तो सुंदर होता है, चमकीला होता है। अलार्म बज गया। सॉरी लेकिन हमें कहीं जाना होगा चार्ली, स्टार ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, पर मैं चाहता था तुम स्टार ढूंढने में मेरी मदद करो। एग्नो के लिए थैंक यू यार। तो सबसे पहले जाएंगे टेप्स के घर, पहली गलती सुधारने के लिए। हाँ? आ रही हूँ। हेलो स्टार्स हैं। ये खुशबू कैसी? क्लोई तुम कुछ बना रही हो? नहीं मैं नहीं बना रही। गुड मॉर्निंग, कल रात के लिए फिर से एक बार सॉरी, हमने ये आपके लिए बनाया। आई स्पेयर अब भी सॉरी है। वाओ खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। आइसबर्ग की तरफ से तुम्हारे लिए पेस्ट्री। इससे हमारी गलती को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन कल की रात तुम्हारी सफाई में ही गई होगी तो हमने सोचा कि ये किया जाए, क्योंकि हम तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं।